फिर तो धूप। हमारे बच्चे यहाँ एक घर की तरह रहते हैं बिल्कुल, और ये इनका घर है, जैसे घर में और बच्चे रहते हैं यहाँ पे बच्चे रहते हैं। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ भी याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन। और इन बच्चों को एक छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि इन बच्चों के लिए तो हर दिन एक तरह से त्यौहार होता है, मगर कुछ विशेष पर्व होता है तो उसमें बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, कल के लिए बहुत उत्साहित। नमस्कार, आप देख रहे हैं N27 न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ एक ही बार, जहाँ एक तरफ पूरे ही देश में 15 अगस्त की तैयारियाँ चल रही हैं, सभी हर्षोल्लास के साथ अपने घर पर लाकर तिरंगा फहरा भी रहे हैं, लेकिन हम एक ऐसे जगह आ पहुँचे जहाँ पर लोग किस तरीके से अपना जो 15 अगस्त है उसे मनाने वाले, आज़ादी दिवस को मनाने वाले हैं। इस समय हम मौजूद हैं लाल बहादुर शास्त्री सुदर्शनम बाल आश्रम में, जो कि एक अनाथालय है, यहाँ पर सभी अनाथ बच्चे मौजूद हैं। हम यहाँ पर लोगों से जानने के लिए आए हैं वो अपना जो 15 अगस्त है, आज़ादी का दिवस है, उसे किस तरीके से मनाते हैं। आइए चलिए आपको हम दिखाते हैं। इस समय हम अनाथ आश्रम के अंदर मौजूद हैं, यहाँ का आप नज़ारा भी देख सकते हैं किस तरह से। यहाँ पर थोड़ा कंजेक्टिव एरिया है, बीच बिछाव वाला एरिया है। यहाँ पर जो इंचार्ज, हम लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इंचार्ज कौन है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के इंचार्ज। सबसे पहले सर, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताइए। सभी के लिए मेरा सादर प्रणाम, और 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। नाम लेंगे, मेरा नाम हरेंद्र कुमार है और मैं ये लाल बहादुर शास्त्री बाल आश्रम में बच्चों का सेक्टर 3 वसुंधरा में, वहाँ पर मैं एज इंचार्ज ग्रुप में कार्यरत हूँ। अच्छा, हम लोग 15 अगस्त पर लोगों से जानने के लिए आए हैं कि वो किस तरीके से अपना 15 अगस्त का जो आज़ादी दिवस है उसे मनाने वाले हैं। ये अनाथ आश्रम है, यहाँ बच्चों के पास माँ बाप नहीं है, तो यहाँ पर वो अपना 15 अगस्त आज़ादी दिवस किस तरीके से मना रहे हैं। हम यहाँ पर जो 15 अगस्त है, हमारे जो बच्चे हैं आप देख भी रहे हैं, हम तैयारियों में लगे हुए हैं और सभी बच्चे बहुत बढ़ चढ़ करके भागीदारी दे रहे हैं, और कोई भी हमारा राष्ट्रीय त्यौहार हो या हमारा धार्मिक त्यौहार हो, हम बच्चों को हमेशा साथ लेकर के उसमें तैयारियां करते हैं, ताकि उन बच्चों के अंदर उन हमारे त्यौहारों के प्रति भाव बढ़े और उनके प्रति उनका सम्मान, उनके अंदर सम्मान बना रहे। अच्छा, क्या आप हमें यहाँ पर थोड़ा दिखा सकते हैं बच्चे किस तरह से यहाँ पर रहते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं दिखाऊंगा बच्चे बिल्कुल। कैमरामैन मेरे साथ आएंगे आप, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरह से बच्चे रहते हैं। यहाँ पर ये पूरा हॉल बना हुआ, यहाँ पर टीवी भी लगा हुआ बच्चों के लिए, यहाँ पर रसोई घर बना हुआ है, यहाँ पर अम्मा जी यहाँ पर बच्चों के लिए खाना बना रही हैं। हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। पहले आप अपना नाम बताइए। सुनीला देवी। अच्छा, आप यहाँ पर कितने टाइम से काम कर रहे हैं? हम बहुत दिन से रह रहे हैं भैया। अच्छा, 15 अगस्त आने वाला है तो बच्चों के लिए क्या उसमें स्पेशल खाना बनने वाला है? उसे जिसे बनाएंगे बच्चे जो खोजते हैं जो बना के देते हैं, पनीर हुआ जिससे खाना, वैसे करके मन के खाना देते बना के हमें। अच्छा, 15 अगस्त के लिए कुछ स्पेशल बन रहा है? हाँ बनाते हैं सर जी, 15 अगस्त। अच्छा, बच्चे जो बोलेगा वो बनाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, जो बच्चे जो पसंद है बच्चे के वो बताएगा वो बना देते हैं हम। मैम अपना नाम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम कुसुम लता है। कुसुम जी, यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं जो कि काफ़ी उत्साहित भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किस तरह से तैयारियाँ करनी चाहिए ताकि बच्चों का मनोबल और ज़्यादा बढ़ सके? देखिए, ये एक आज़ादी का पर्व होता है तो बच्चे हर साल ही हमारे उत्साहित रहते हैं, और बच्चे एक छोटी छोटी अपने प्रोग्राम्स तैयार करते हैं तो उनकी तैयारियों में बच्चे लगे हुए हैं प्रॉपर, और कल अपना परफॉर्मेंस देंगे बच्चे। और इन बच्चों को एक छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि इन बच्चों के लिए तो हर दिन एक तरह से त्यौहार होता है, मगर कुछ विशेष पर्व होता है तो उसमें बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, कल के लिए बहुत उत्साहित है बच्चे।
अच्छा, आपकी तरफ से कुछ खास जानकारी बच्चों को दी गई है कि किस तरह से भारत आज़ाद हुआ था, किस किस लोगों ने बलिदान दिया था और बाद में क्या क्या हुआ था, क्या क्या समस्याएं देश को देखनी पड़ी है? वो तो हम बच्चों को हर वर्ष ही बताते हैं, दोनों 26 जनवरी पे बताते हैं और 15 अगस्त पे बताते हैं। बच्चे ये होते हैं, कुछ बच्चे नए आते हैं, कुछ बच्चे हमारे पुराने होते हैं। जो नए बच्चे आते हैं उनके लिए वो जानकारी थोड़ा सा नई होती है, जो पुराने बच्चे हैं तो वो उस जानकारी से थोड़ा अवगत हो चुके होते हैं। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे कि 15 अगस्त पर कि इस तरीके से आपको त्यौहार मनाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इस तारीख को भूल ही जाते हैं कि आज़ादी दिवस है 15 अगस्त को। मैं तो यही कहूँगी कि सभी को ये एक मिल के ही करना चाहिए और बहुत प्रेम के साथ इस त्यौहार को मनाना चाहिए। इसमें कोई किस तरह का जातिवाद या भेदभाव कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक तरह से भारत के ही निवासी हैं और सभी को ये मिल करके इस पर्व को मनाना चाहिए। अभी आपने सुना है कि यहाँ पर उन्होंने बताया किस तरह से सभी लोगों को मिलकर इस स्वतंत्रता दिवस को मनाना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जिन लोगों के पास माँ बाप हैं उन्हें उनकी कदर नहीं होती है, जब उन लोगों के पास ये चीज़ें नहीं होती हैं तब उनको याद आती हैं चीज़ों की। यहाँ पर बच्चे ऐसे जिनके पास माँ बाप नहीं हैं लेकिन फिर भी वो यहाँ पर खुश हैं और खुशी के साथ 15 अगस्त का दिन मना रहे हैं। यहाँ पर जितना भी स्टाफ है वो बच्चों की पूरे तरीके से मदद करता है और सभी को अच्छे से यहाँ पर सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। बात कर लेते हैं, मैम अपना एक बार नाम बताइए। मेरा नाम अनुपम शर्मा है। आप यहाँ पर क्या करते हैं? मैं भरतपुरिया शिक्षा समिति द्वारा संचालित लाल बहादुर शास्त्री बाल आश्रम के अंदर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही हूँ और संस्था जब से स्टार्ट हुई है मैं संस्था के साथ हूँ और बच्चों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हर बच्चे की अपनी एक नई कहानी होती है, नए जीवन की शुरुआत होती है। हमारे बच्चे यहाँ एक घर की तरह रहते हैं बिल्कुल, और ये इनका घर है, जैसे घर में और बच्चे रहते हैं यहाँ पे बच्चे रहते हैं। अच्छा, 15 अगस्त के लिए क्या तैयारियाँ चल रही हैं बच्चों के लिए? 15 अगस्त के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें 13, 14, 15 को बोल रखा है कि घर घर तिरंगा, तो हम इन बच्चों को बाहर तो ले नहीं जा सकते लेकिन हम अपना यहाँ पे अपना कर रहे हैं प्रोग्राम। जैसे कि कल 13 तारीख को हमारे बच्चों ने कुछ डांस एक्टिविटीज़ करी थी जो देशभक्ति गानों पर थी और हमारे बच्चों ने ड्राइंग कॉम्पिटिशन भी किया था जिसमें तरह तरह की पिक्चर्स उन्होंने बनाए थे जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और हमारे बच्चे कल की तैयारियों में भी लगे हुए हैं और हमारा मानना है कि जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था तो हमने सोचा कि दिवाली पे सभी लोग अपने घरों में पुताई और ये साफ़ सफाई कराते हैं और हमारे संचालक महोदय ने हमें आदेश दिया कि सफाई कराइए, 15 अगस्त आ रहा है तो हम देख रहे हैं आप सब लोग यहाँ पूरा घर इधर उधर हो रखा है, जैसे घरों में सफाई होती है तो यहाँ पे पुताई सब कराइए। ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो हमारा दिखा दीजिए, सही बच्चे यहाँ पर हैं। हाँ, हेलो बोलो। अच्छा, सजावट के लिए यहाँ पर क्या तैयारियाँ हैं? अभी थोड़ी देर बाद हम तिरंगे वाले बैलून लगाएंगे और तिरंगे झंडे बहुत सारे हम बाहर से अंदर तक पूरा लगाएंगे, हम पूरा आश्रम तिरंगों से सजाने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर पूरा फील आने वाला है 15 अगस्त का। जी बिल्कुल। अच्छा, हम एक बार इंचार्ज जी से बात करें, एक बार हमें बताइए यहाँ पर कितने बच्चे रहते हैं? यहाँ वैसे हमारा ये जो आश्रम है ये 25 बच्चों की क्षमता वाला है लेकिन वर्तमान में हमारे पास यहाँ 13 बच्चे हैं जो हमारे न्यायपीठ बाल कल्याण समिति है उसके आदेश से यहाँ पर बच्चों को रखा जाता है। और हमारा प्रयास रहता है कि बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढना और उनके घर को तलाश करके जो न्यायपीठ बाल कल्याण समिति उनके आदेश से बच्चों को उनके फैमिली के हैंडओवर कर दिया जाता है। अब तक लगभग हम 600 बच्चे उनके परिवार में रिस्टोर कर चुके हैं और हमारे पास जो अभी बच्चे हैं वर्तमान में इनका भी हमारा प्रयास जारी है लेकिन 98% बच्चे हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनको या तो पता नहीं है या मतलब फादर नहीं है तो वो बच्चे अपने घर की तरह यहाँ रह रहे हैं, उनकी एजुकेशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं। दो बच्चे हमारे स्किल इंडिया के अंतर्गत ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि वो भी कल मुख्य धारा से जुड़ करके हमारे तरह जीवन यापन कर सकें। तो हमारा मुख्य स्ट्रीम यही रहता है कि जो हमारे ये बच्चे हैं समाज की मुख्य धारा में जुड़ें और वो भी हमारा ही तरह स्वतंत्र जिंदगी जी सकें। अच्छा, हमने सुना है यहाँ पर बच्चे झुग्गी झोपड़ियों में जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के ऊपर। हाँ, ये हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने हर घर तिरंगा और ये अभियान जो चलाया उसके अंतर्गत हम अभी कुछ देर बाद यानी घंटे भर पीछे हम
हर झुग्गी में जाएंगे और वहाँ पर तिरंगे को लहराएंगे, सेल्फी लेंगे और जो उनका अभियान है उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि जो हमारा 15 अगस्त आ रहा है उसको हम बढ़ चढ़ करके और अपने मन से उसको मनाएं। अच्छा, यहाँ पर क्या आप मुझे बता सकते हैं सबसे कम एज वाला बच्चा और सबसे ज़्यादा एज वाला बच्चा कितने साल के हैं? हमारा सबसे कम एज वाला बच्चा रिंकू है और सबसे एज वाला बच्चा हमारा धर्मेंद्र। क्या क्या एज है दोनों की? इस बच्चे की उम्र है 12 साल की और उन बच्चों की उम्र है 18 साल, जो कि वो ट्रेनिंग जॉब के साथ साथ ले रहे हैं और वो कुछ दिन बाद ही वो बच्चे हमारे फ्री हो जाएंगे, तो हम उनके लिए जो भी अब तक हमारा प्रयास है, हमारे जो 6% है न्यायपीठ बाल कल्याण समिति की गाजियाबाद, उनके निर्देश में हमने उन बच्चों के लिए प्रयास किया था और जब तक वो बच्चे हमारे साथ रहेंगे तब तक कि वो अपने स्वतंत्र जीव का जीने में सक्षम न हो सकें, तब तक ये संस्था उन बच्चों को हेल्प करेगी और यहीं से आवागमन करेंगे सुरक्षा के साथ। आइए हम लोग यहाँ पे बच्चों से बात कोशिश करते हैं बात करने की कि उन्हें कैसा लग रहा है कि 15 अगस्त आ रहा है। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा मनीष शर्मा। अच्छा, 15 अगस्त को आप किस तरीके से मनाना चाहते हैं? धूमधाम से। बड़े धूमधाम से तिरंगे के साथ? यस। अच्छा, इसके अलावा आप कुछ और अलग से कुछ करना चाहते हैं 15 अगस्त के दिन? मैंने डांस सीखा है। अच्छा, डांस सीखा है तो 15 अगस्त पर डांस करेंगे आप? यस। अच्छा, और भी बच्चों को बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? रिंकू। अच्छा रिंकू जी, आप 15 अगस्त को किस तरह से मनाने वाले हैं? धूमधाम से। धूमधाम से मनाएंगे। अच्छा, आपने कुछ स्पेशल किया है 15 अगस्त के लिए? कोई डांस या गाना कुछ? क्या करने वाले? डांस करने वाले हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? राजा। आप क्या करने वाले 15 अगस्त पे? कुछ नहीं। कुछ खास गाना वगैरह, कुछ चित्रकला कुछ किया आपने? कुछ नहीं किया एक्टिविटी में। अच्छा, आपका क्या नाम है? रियांशु। आप क्या करने वाले 15 अगस्त? डांस। डांस करने वाले। कोई गाना, कुछ गाना वगैरह अलग से कुछ और? अच्छा, डांस। यहाँ और बच्चे हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोनू है। अच्छा मोनू जी, आप क्या करने वाले? मैंने डांस और एक गाना तैयार कर रखा है। गाना, एक बार अगर गाना तैयार किया तो आप गाना सुना सकते हैं? हाँ, हल्का फुल्का सुना सकते हैं। थोड़ा सुना दीजिए। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ भी याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया इन्होंने गाया है। अच्छा, आपका क्या नाम है? हिमांशु। हिमांशु जी, आप क्या करने वाले हैं 15 अगस्त पर? बस कुछ नहीं करना है। अच्छा, डांस गाना कुछ तैयार नहीं किया आपने? नहीं, तिरंगा लड़ाना बस। अच्छा, कल के लिए उत्साहित हैं आप? हाँ। तो 15 अगस्त को कुछ खास मनाना चाहते हैं कुछ अच्छे रूप में? हाँ। आपका क्या नाम है? सोनू। सोनू जी, आप कैसे क्या करना चाहते हैं 15 अगस्त के दिन? कल झंडा ले जाऊँगा। बस झंडा, कुछ गाना, कुछ कला, कुछ और कुछ चीज, किसी चीज़ की तैयारी की आपने? हाँ। क्या करने वाले? अभी वो मतलब डेकोरेट करेंगे स्कूल में यहाँ पे। अच्छा, और स्कूल में डेकोरेट करा था क्लास में, तो आप डेकोरेशन यहाँ पर भी करेंगे? हाँ, बैलून लगाएंगे। अच्छा, बैलून लगा गए। अच्छा, और भी कोई मौजूद है? आपका क्या नाम है? हिमांशु। हिमांशु जी, आप क्या करने वाले 15 अगस्त पर? आज तो हमारी रैली निकली थी हमने। कहाँ पर? स्प्रिंग हिल्स में, मतलब कि पूरी जगह घूम कर आए थे। अच्छा, रैली में क्या किया था? रैली में मतलब कि नारे लग रहे थे, उन्होंने कहा था अच्छे से, मतलब कि इनडिसिप्लिन नहीं होना है, डिसिप्लिन से सब कुछ करना है, तो हमने उसने। अच्छा, कल के लिए कुछ तैयारी की है, गाना डांस कुछ? नहीं, कुछ नहीं। क्या शर्म लगती है थोड़ी सी गाना वगैरह डांस करने में? नहीं, हमारे स्कूल में हुआ ही नहीं था ना, अलग अलग स्कूल है। अच्छा अच्छा। तो सभी बच्चे यहाँ पर बहुत प्यारे हैं, कुछ बच्चों ने गाने की तैयारी भी, कुछ डांस भी करने वाले हैं। हम लोग कोशिश करेंगे आपको इसकी कोई फुटेज मिल सके तो आप हम दिखाने की भी कोशिश करेंगे किस तरह से बच्चे यहाँ पर चीज़ें करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको तैयारियाँ भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर पुताई की भी तैयारी चल रही है जो कि 15 अगस्त के लिए की जा रही है। यहाँ पर अभी पुताई की तैयारी चल रही है, अभी यहाँ पर साफ़ करने के बाद यहाँ पर पुताई की जाएगी और इन दीवारों पर अभी पुताई हो भी चुकी है और आज यहाँ पर कल के लिए तैयारियाँ भी पूरे तरीके से हो जाएंगी। और भी हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से तैयारियाँ हो रही हैं। कैमरामैन रोहन के साथ में कैमरा N27 न्यूज़ गाजियाबाद। आप देख रहे हैं N27 न्यूज़, पकड़ हर खबर पर।